ये रहा हमारा एक और खेत जो तैयार हो रहा है। इसमें क्या बोगे शेपा? ये पतिदेव लेके आए गुड़ की भिल्ली गोल वाली, तो और यहाँ पे कट के तैयार हो चुका है पनीर, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च। हाथ जलेगा कहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग हो रहा है सुबह सुबह 7:30 बजे से। अभी मैं हूँ छत पे, काफ़ी टाइम बाद सुबह का व्लॉग टेरेस गार्डन से स्टार्ट हो रहा है और धूप आ रही है हल्की हल्की, सूरज निकलने लग गए हैं। और पीछे कल ये मैंने जो धोए थे मैट, तो वो सूख रहे हैं क्योंकि सूखे नहीं थे अच्छे से, तो हमने छत पे ही छोड़ दिए थे। और पति देव यहाँ पर पी रहे हैं दूध और बादाम खा रहे हैं, ताकत चाहिए सुबह सुबह। हेलो तो बोल दो, हेलो गुड मॉर्निंग तो कर दो। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह इनकी चली है दूध है। हाँ चंदा मामा भी है और वहाँ से सूरज भी आ रहा है, वो देखो वो दिखाती हूँ चंदा मामा भी। और ये रहे सामने, देखिए ये है चंदा मामा और मैं आपको सूरज भी दिखाती हूँ। ये चंदा मामा है और यहाँ से हम सीधे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो उधर से निकल रहे हैं सूरज। हल्की हल्की सी लालिमा दिख रही है ना, पेड़ से ढक गए पर हल्की हल्की सी दिख रही है लालिमा, तो यहाँ से निकल रहे सूरज इधर साइड से। ये देखिए इधर साइड से, थोड़ी देर में पूरा ऊपर आ जाएंगे, अभी पेड़ से ढके हुए हैं। आगे चंदा मामा है और पीछे सूरज जी हैं, ये रहे। और हमारा सेंडू बेबी आ चुका है नाश्ता करके, देखो कितना खुश हो रहा है नाश्ता करके आ गया है। पानी चाहिए उसको, उसको पानी देती हूँ, पानी चेंज करती हूँ, तो गंदा पानी भी देगा। गंदा पानी नहीं पीता है, दे रही ना पानी चेंज करके। ये ले ये ले 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 ले, फले पानी पी ले, पी ले जल्दी, पी ले पीलेगा, प्यास लगी है उसको, उसमें नाश्ता करके आया है, सुबह सुबह पानी चाहिए उसको। तो थोड़ी देर छत में बैठते हैं और ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। मुझे तो ठंडी हवा से एलर्जी है, ठंडी से, तो मुझे खुजली खुजली होने लगी, मुझसे बोले नीचे जा बोल रहे। और आज क्या बनाएंगे सब, आज क्या बनाया यार? हाँ मैं सोच रही हूँ आज मैं आज गहत बनाऊँ, गहत ट्राई करते हैं। पी लिया पानी? हाँ हो गया ना सा पानी। इसको भी ठंडा लग गया ना, इतना स्वेटर पहन के घूमने लग गया। और देखिए दाल, दाल दाल की फरमाइश आई है भाई, दाल बनेंगी आज। इसको चाचे चुभी चुभी प्याज चाहिए, ठंडा चाचा चाहिए, ठंडा हो रहा है इसको, स्वेटर पे चाहिए इसको स्वेटर। बढ़िया हो गई है, बढ़िया। और शबा चलो फिर थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मिट्टी लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे लंच लगभग लगभग बन के तैयार हो चुका है। दाल मैंने बॉईल कर ली है, आज मैंने तब बनाई है अरहर और मलका की दाल, और अभी तड़का लगाने की तैयारी चल रही है। चावल यहाँ पे बन चुके हैं और आज मैं तड़का में डाल रही हूँ धनिया, साबुत धनिया, थोड़ा सा मैंने उसको क्रश कर लिया है, साबुत धनिया और जीरे को, तो उसका मस्त मस्त तड़का लगाते हैं। खुशबू बचपन की याद आ रही है मुझे, तो बचपन में हमारे घर के यहाँ पे एक अंकल रहते थे, बूटी बुजू बोलते थे हम लोग, तो वो लगाते थे दाल में तड़का धनिया का, तो मैंने सोचा आज वही वाला स्वाद आता नहीं आता, देखते खुशबू जो मेन लोग लगाते थे तड़के में, मस्त खुशबू आ रही है। थोड़ा सा क्रश कर लिया, ये डाल दिया तड़का, प्याज पे, प्याज कुछ ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और मैं डालूँगी लहसुन क्यूब, उसको भी भूलेंगे अच्छे से। और ये रही बॉईल दाल, इसमें मैंने हल्दी और थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर डाल रखा था, तो इसमें मैं कोई भी मसाले नहीं डालूँगी। और ये रहा टमाटर, ये दो टमाटर छोटे छोटे से मैंने दाल के साथ ही बॉईल कर लिए थे दो पीस करके, तो उसी को डालूँगी। और यहाँ पर लहसुन भी भून चुका है, तो मैं डाल दूंगी टमाटर। आप चाहे तो इसमें मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैंने डाला हुआ है ना, तो फिर मैं अभी आज यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहे इसमें थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि कलर के लिए ना अच्छा लगेगा, दाल का कलर थोड़ा लाल एकदम, थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाल दी है, कलर मस्त आ जाएगा।
दाल में नमक भी डाला है मैंने बॉईल करते समय, तो लास्ट में चेक करेंगे कम होगा तो फिर और डाल लेंगे थोड़ा सा। बस इसको अच्छे से पकने देते थोड़ा, तो इसमें डाल देंगे हम दाल। इसे पकने देंगे 15 मिनट के लिए हल्की आंच में, और थोड़ा सा इसमें नमक कम हो रहा था मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ। और मैं आ चुकी हूँ छत में, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए मैंने दाल हल्की आंच में रख दी है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत में आके धूप सेक लेती हूँ। और ये रजिशिया पढ़ाई कर रही है, पेपर स्टार्ट है इन लोगों के, और पति देव भाई अपना काम चल रहा है छत में, सुबह से ही प्लस लगे रह गए। हमारी एक और खेत तैयार हो रहा है। ये रहा हमारा एक और खेत जो तैयार हो रहा है। इसमें क्या बोगे शेपा है, अभी देखते हैं। हमारे पास है एक खेत, दो खेत, तीन खेत, चार खेत, पांच खेत। उधर पाकचोई है, इधर लेटूस है, वो रही पाकचोई, ये रहा लेटूस मजेटी, और यहाँ पे पाकचोई पाकचोई, और ये तो ड्रैगन फ्रूट है हमारा, और साथ में उसी के नीचे में डाला है चेरी टमाटर, तो एक और हो जाएगा खेत हमारा, आँच है छठा हो जाएगा। मस्त धूप आई है, पूरे छत में अच्छे से धूप आ चुकी है, सैंडी का कंबल सूखने को जा चुका है, और गेहूं मेरे यहाँ पे सूख रहे हैं, थोड़ी धूप सेकते हैं। थोड़ी देर में मस्त तरीके से धूप सेकती हूँ, फिर उसके बाद नीचे आऊँगी, दाल रखी चूल्हे भर के आज पे, पता चला भूल ही गई, चल याद दिलाते रहना 15 मिनट में। मम्मी आपने दाल भी रखी करके गैस पे, ठीक है हैं, अलार्म लगा लो, बस ये सही है बच्चों का आजकल के, अलार्म लगा लो कोई भी चीज़ को, क्यों, चलो थोड़ी धूप सेकते हैं। और अभी दिया आ चुकी है स्कूल से, और दिया निकल गया नहा धोने, देखो हीरोइन बन चुकी है नहा धो के। इसका पेपर था, इसका सेकेंड पेपर है, और बोली कि पेपर बहुत मस्त है, और अब इसका लगा रही इसको लंच गरम गरम, देरी और ये देखो घी का डिब्बा से खोल के चल दिया, हालांकि तो पानी भी खा दिया, बिना घी के तो खाना खा नहीं सकती है। तो यहाँ पर अपनी किताब भी लेके आई है, क्योंकि कल भी पेपर है इसका, कल किसका पेपर है, जीके, जीके का पेपर है, तो घी घी खाएंगी और दाल भात खाएंगी और दिमाग लाएंगी अपना, आ करो घी खाओ करो ना, सच्ची खा लेंगी। तो फटाफट इसको मैं, तो इसको फटाफट मैं लंच कराती हूँ, फिर का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। ले खा ले, जुकाम भी लग रहा है उसको, सुरंग सुरंग लगी हुई है नाक को। मैं सोच रही दिया खा रही तो थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा खा ली, मैं सुबह पिट गया, और मैं खा रही कढ़ाई में, कढ़ाई में दाल खूब लगी हुई है ना, तो मस्त आयरन मिलेगा। खा ले खा ले, पहले किताब से पढ़ना, फिर वो दाल भी नहीं जाएगी, घी की दाल का क्या फायदा, खा ले और किताब जो है दूर रखो खाने से, खाना खाने से पहले किताब को जो है दूर रखनी चाहिए। शेड्यूल हो गया, हाँ जल्दी करो, मेरा टाइम हो गया, तो मैं भी कढ़ाई में थोड़ा सा पत्ती, इतना ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, देखो थोड़ा सा खा रही हूँ, थोड़ा सा तो है, दाल थोड़ी है, भात तो अच्छी जैसा है, दाल तो कढ़ाई में कुछ चिपकी हुई है ना पक पक के, इसलिए बिटक बिटक के, पहले मैं खा लेती हूँ फिर मिलती थोड़ी देर में। और आज श्रेया बाबा को जाना है एक शादी में, तो आज हम लोग श्रेया मैं और दिया घर में इंजॉय करेंगे, इंजॉय क्या, आज हम कचर बचर वाला नाश्ता कर सकते, मतलब नाश्ता सॉरी ना, वो चीज़ें नाश्ते में खाई जाती थी, तो इससे नाश्ता निकल रहा मुझसे, कटर बटर वाला हम खाना खा सकते हैं, क्योंकि श्रेया के पापा मैगी नहीं खाते, ऐसे मैदा वाले आइटम खाते हैं नहीं, कटर बटर तो हाँ और वो खाते नहीं है, तो इसलिए हम लोग खा सकते हैं आज, तो देखते हैं आज शाम को हम तीनों माँ बेटियाँ क्या खाती हैं मैं डिनर, देखती हूँ सोच रही हूँ
ऐसे खाने के बाद ये उठा बर्तन का नहीं उठाओगे, नहीं उठाके नहीं उठाके गई, दारू भी ऐसे छोड़ के चलेगी और दाल ऐसे करके चलेगी। ट्यूशन जाना है बोलिए। और पति देव का आ चुका है फोन, तो मैंने चढ़ा दिया जिया का पानी। सही हो रहा है आजकल, रोज जिया पी रहे हैं, अच्छी बात है, जाड़ों में ही पिया जाता है, गर्मी में नहीं पिया जाता है जिया भी। तो मैं बनाती हूँ जिया, और पहले तो ये सामान संभालती हूँ। और बहुत जल्दी आने वाला है गुन्नू बीबी का बर्थडे, और फर्स्ट बर्थडे, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि शायद ये दोनों के पेपर है, दोनों का मूड ऑफ हुआ है, क्योंकि दोनों चाह रही थी कि गुन्नू बीबी के बर्थडे में जाएंगे धूम धमाका करेंगे, बट ऐसे हो चुका है, अब क्या करें। और फर्स्ट बर्थडे किसी न किसी को जाना पड़ेगा, देखो क्या होता है, शायद पापा जाते हैं कि मैं जाती हूँ, लास्ट से पता चलेगा। सैंडी आ रही बेटा, सैंडी ना कर फटवा फटवा कर दी, मैं इसको अंदर ले आती हूँ। ये पति देव लेके आए गुड़ की भिल्ली गोल वाली, तो इसमें से इतना सा थोड़ा मैंने निकाल दिया आज सुबह की चाय के साथ के लिए, और अभी थोड़ा सा निकालूंगी, और दूध भी पिया था कल रात से, कल साहब लेके आए थे, तो मैं चाह रही थी ना कि इतने बड़े बर्तन में ये पूरा भिल्ली आएगा तो नहीं, इसके बड़े बड़े पीस काट के एक एटा डब्बे में रख देती, और जितना यूज़ करना है उतना स्टील के टिफिन में। तो अभी आने वाले तो इनसे बोलूँगी इसको कर दो ज़रा। जिया बन के बिल्कुल रेडी है, बस वेट कर रही हूँ कि श्रेया पापा आएँ, और जल्दी से हम जिया पिए। ये श्रेया के पापा का, दिया का नहीं, सॉरी श्रेया तो, दिया तो ट्यूशन जा रही है, श्रेया का और मेरा। तो अभी बज चुका है 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में, ये जा चुके हैं शादी में, तो अब मैं सोच रही बनाती हूँ नूडल्स। और मैंने देखा कि मुझे मेरे पास एक ही पैकेट बचा है नूडल्स, मुझे लग रहा है मुझे आज ही से मिक्स करना पड़ता है, कुछ मैक्रोनी ना मिलाना पड़े, देखिए क्योंकि इतने तो होगा नहीं बच्चों का डिनर पूरा, तो थोड़ा मैक्रोनी मिला देती हूँ या पास्ता मिला देती हूँ, जब तक मिलावट ना होना तब तक खाने बनने वाला नहीं है हमारा। मैंने सब दो पैकेट हैं, दो तीन चाल आई थी, और कब बना के खाली बताइएगा। चलो तो थोड़ा तैयारी करती हूँ, प्याज और हरी मिर्च काट दिया है, और अब मैं फटाफट से पहले शिमला मिर्च निकाल लेती हूँ, शिमला मिर्च काट लेती हूँ। और ये रही मेरी शिमला मिर्च, ये रेड और ये येलो, इसे भी मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ है, टक टक बच जाएंगे इसे आपस में। और अभी अभी येलो और है, इतनी और है येलो वाली, काफ़ी छोटी वाली इतना सी, और ये तो हो गई, क्योंकि ये हमेशा तो लेट के नहीं रखी जाती है, और एक वाली तो काफ़ी टाइम चल जाती है, तो इसलिए जो बची तो सारी फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। और पनीर ये दिया, और यहाँ पे कट के तैयार हो चुका है पनीर, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च, तो फटाफट अब करती हूँ तैयारी। और यहाँ पे नूडल्स भी बॉईल हो रहा है, और नूडल्स के साथ मैंने मैक्रोनी डाल दिया क्योंकि कम पड़ जाएगा नूडल्स, नहीं तो बस ये बॉईल हो जाए एक बार ठंडा करके से, तो करती हूँ तैयारी फटाफट बनाने की। यहाँ पर मैंने रख दिया नॉनस्टिक कढ़ाई, और उसमें डाल दिया ऑयल, और सबसे पहले तो मैं पनीर फ्राई करूंगी इसमें। पनीर निकाल दिया, अब पहले डालूंगी प्याज, और प्याज के साथ डालूंगी हरी लाल मिर्च, तो इसको हम कर लेते हैं सौते। क्या सुंदर कलर आया, लाल हरा पीला एंड सफ़ेद, ऊपर से प्याजी कलर और ऊपर से पिंक कलर की कड़छी, तो तैयार सौते होगा तब तक रख के नूडल्स को ठंडे पानी में निकाल देती हूँ। और अब इसमें डाल दूंगी लहसुन का पाउडर, ये मम्मी ने बना के दिया था मुझे, इससे पहले मैं दिखा चुकी हूँ आपको, खीरा लहसुन पाउडर
ये होम मेड है। और साथ में डालूंगी इसमें काली मिर्च, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसे मिला लेते अच्छे से। और इसमें मिला देंगे रेड चिली सॉस, और साथ में थोड़ा सा सोया सॉस, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और साथ में थोड़ा सा विनेगर। और गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे। इसमें डाल दूंगी मैं पनीर, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, इसमें नमक भी डाल देती हूँ, और हल्का सा नमक। और इसमें हम डाल देंगे नूडल्स, ये रहे हमारे नूडल्स। और इसको कर देते मिक्स। और यहाँ पे तैयार हो चुका है हक्का नूडल्स, और वो भी मिक्स नूडल्स के साथ साथ मैक्रोनी भी है, मिलावट वाला हक्का नूडल्स तैयार हुआ है मम्मी का, मिलावटी। और ये दिया भी आ चुकी है यहाँ पे, बोली कब बनेगा, फटाफट बनेगा, फटाफट खाते हैं। मैंने कहा दीदी आती फिर खाते हैं। तो ये रहा यार दिया, ये सिलेंडर को उठा करके नीचे ले जाना है बेटा, ये खाली सिलेंडर है। हाँ हाँ अभी नहीं, बाद में ले जाना बाबा। हाँ ताकत। तो बस ये दीदी से आती है। डिलीशियस, हटना था एक बार। क्या कर रही तू, सब बना बुनू कर दिया मैंने, चखरी होगी ना जरूर। हाथ जलेगा कहीं। तो किसने किसने कहा था, किसने कहा था, कोई बात नहीं, लकड़ी क्या हुआ, कैसा हो रहा खाने में, मस्त हो रहा है। पनीर पनीर सब दुखा जाएगी, गरम हो रहा होगा पनीर हो जाता। इन लोगों की इतनी गंदी आता था ना, बीच में कभी कुछ ऐसा सब बनाव निकाल करके खा जाते हैं। श्रेया का वेट करते हैं, श्रेया आती है तो फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे। आज कुटुंब बुटुम थोड़े से चावल बचे दिन के, और थोड़े दाल भी बचे हैं, तो हम थोड़ा वो भी खा लेंगे। मुझे भी लो वीडियो में, कभी तुम आना ना चाहती हो, मुँह छुपा लेती हो, कभी तुमको वीडियो में। अच्छा जब सूरत, मतलब आप समझ जाओ, जब ये वीडियो में अगर मुँह छुपा रही थी तो उसकी सूरत गंदी दिख रही है। तो श्रेया जब तक मैं सोच रही फटाक से मैं पालक लाए श्रेया, और मैं छाट लिए थे उसको धो करके खाने को रख देती, कल से भी बनाएंगे। दिया था जिया, मैंने गरम करके रखा था, जिया ने दिया नहीं है। और गुड़ की फिल्ली को मैंने दोबारा से थैले से ढक के रख दिया है, क्योंकि श्रेया जा चुके हैं तो यही फोड़ो ही फोड़ सकते हैं, मेरी बस की बात तो नहीं है फोड़ना। तब मैंने सोची थोड़े से बर्तन धो लेती, पीछे बहुत सारे बर्तन लग गए मेरे। बस श्रेया का वेट करते हैं, श्रेया आती थी करते हैं अपना डिनर, लंच डिनर, ब्रेकफास्ट डिनर, वैसी मतलब वैसी ठीक है, वैसी तो है। आज पापा नहीं है ना, कभी पापा खाते नहीं ऐसी चीजें। यहाँ पे बैठ चुके हैं हम डिनर करने के लिए, और दिया का देखो यहाँ हमने तो भर भर के ले लिया इसने प्लेट में, का भर चावल और दाल भी ले रखी है, और ब्रेड भी लिया, और ब्रेड और चीज बना के मिला के भी खा लिया। तो हम लोग भी करते हैं फटक से डिनर। आप तो इतना दिखा रहे, कितना खा रही हूँ यार, इज्जत ही होती है। खा तो रही है, खा रही को खा रही नहीं कहूँगी तो नहीं खा रही कहूँगी क्या, है बता। तो श्रेया आ जाए डिनर करते हैं फटाफट। दिया दिन तो बड़ा टेस्टी हो रहा है, श्रेया को पता नहीं कैसा लगता है, मैंने खाया नहीं अभी तक। खा पे अच्छा, ऐसे वाले किसने चेक के बताया, अरे वो तो खाली हुआ था पनीर, और वो डेमो था। वही समझो, तो दिया बोल रही है मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो रही है, श्रेया बोली नमक की थोड़ी सी कमी है, तो कोई बात नहीं। तो करते हैं हम लोग अपना डिनर,
मस्त मस्त वाला। हाँ बच्चे खुश हो गए यार, अपना डिनर देखे तुम लोग खुश हुए हो, मजा आएगा तुम्हें। उप्स तो काम हो गया, मम्मी मेरी मैक्रोनिस के अंदर ही चली गई दोनों दोनों। योर बैड लक, ऐसे क्या कर रही थी फिर? पनीर भजिया, वहाँ देखो जरा खाना दिया कर, तो चावल सब चीज़ सब साथ रख रख के खा रही खा के तो सामान है ना, पहले से दिख के हंसती आ रही मुझे तो, चावल भी नूडल्स भी और ब्रेड भी सब साथ ही रखे हुए हैं, जितना नहीं खाती जितना दिख जाएगा। तो फिर इंजॉय करते हैं अपने डिनर को, बच्चों के साथ भी इंजॉय करते करते डिनर का आनंद लेते हैं और खाती जितना दिख रहा है बीच में। तो इसी के साथ ब्लॉग की ही पेंडिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।